नमस्कार, मैं हेमलता रानी, ग्राम प्रधान ख्वाजापुर कुशाली, ब्लॉक सरधना मेरठ से। शपथ टाइम के शपथ के समय पर ही मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपने गांव को बिल्कुल स्वच्छ और स्वच्छ जल से भी युक्त करूँगी। तो हमने अपने ग्राम पंचायत पर अपने जो मेंबर्स थे उनके साथ मीटिंग की, ग्रामवासियों को बुलाया, जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उनको बुलाया, और जो आशा आंगनबाड़ी और उप केंद्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन सबको बुला करके मैंने मीटिंग की। हमने फिर एक जगह चिन्हित की जिसके लिए हमने RRC सेंटर के लिए नियुक्त किया और वहाँ पर हमने RRC सेंटर का कार्य शुरू किया। RRC सेंटर बनने के बाद हमने अपने ई रिक्शा लिए और ई रिक्शा के लिए हमने अपने जो हमारे स्वास्थ्य स्वच्छता कर्मी हैं यानी हमारे सफाई कर्मी हैं उनके सहयोग से हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। RRC सेंटर में हमने अपने उसमें नाडे वो बनवाया गड्ढा और एक वर्मी कंपोस्ट का, और जो हमारे ये जो स्वच्छता कर्मी हैं ये घर घर से कूड़ा कलेक्ट करके लेके जाते हैं। RRC सेंटर पे जब पहुँचते हैं तो उस कूड़े को हम एक जगह एकत्रित करके वहाँ से उसको अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं। जैसे प्लास्टिक को अलग किया जाता है वहाँ पर, और फिर लोहे को अलग, कांच को अलग, और बाकी जो हमारे जो कूड़ा है जो गलने योग्य है उसको हम एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं। हमने अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। पंचायत में हमने सामूहिक शौचालय भी बनवाए हुए हैं। अब मेरा गांव पूर्णतः खुले में शौच करने से मुक्त है और मेरी कोशिश है कि ये जो ब्लैक वाटर की जो समस्या है ये पूर्णतः इसका निदान हो जाए। तालाब बनवाएं, हमने एक पिंक तालाब बनवाया जिसको हमने अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर बनाया। वहाँ पर हमारे वो फिल्टर चैम्बर भी बना हुआ है। हमने अपनी ग्राम पंचायत में नालियाँ बनवाई हैं जिसमें सिल्ट कैचर और ये सिल्ट कैचर वगैरह लगे हुए हैं जिससे हमारा कूड़ा पीछे ही हो जाता है और नालियों से करीब करीब सफाई होकर के स्वच्छ पानी हमारा पहुँचता है। और हमने अपने स्वच्छता अभियान के तहत सभी सरकारी स्कूल में अपने स्वास्थ्य केंद्र पर सभी का अच्छा कार्य करने के लिए संकल्प लिया और कार्य भी किया है। हमने अपनी ग्राम पंचायत में 20 फीट बनवाए हैं, जो सामुदायिक 20 फीट हैं, 2-3 फीट बनवाए हुए हैं जिससे हमारे गांव के जो कुछ ब्लैक वाटर है उसका निदान हुआ है। और आगे भी हम इसी तरह कार्य करेंगे, जो ब्लैक वाटर है, ग्रे वाटर है वो थोड़ा सा अलग हो जाए ताकि हमारे गांव में स्वच्छता पूर्णतः हो जाए। अपने कार्यकाल में सबसे पहले लाइब्रेरी बनवाई। अपना जो हमारा ग्राम पंचायत था पहले ऐसी भवन था, उसको अच्छे से नवनिर्मित किया। लाइब्रेरी में बच्चियों को बैठने के लिए समुचित बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियाँ हैं, उनके लिए लाइट की अच्छी व्यवस्था है, कैमरे भी लगे हुए हैं। दम दमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बन कर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, दमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है।
अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, रंग चमक दम 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 के गाए इंडिया, चम चमक चम 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 के गाए इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है, जो मन से निकले उमड़ घुमड़ उस नदी को आँच बहाना है। स्वच्छता की जोत जागी।